इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कूलम्स लॉ पे। इसे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अपने से दूर धकेलते हैं। अगर हमारे पास दो निगेटिव चार्जेस हैं तो ये दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को अपने से दूर धकेलते हैं। पर अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो तो इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करता है ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इस रूल से हम फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे कि पहले केस में देखें, फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे से दूर, दूसरे केस में फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे से दूर, तथा तीसरे केस में फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के तरफ है। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड का क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड डिसाइडेड होता है इस कूलम्स लॉ से। हमें पता होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, पहला ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई होगा, इस केस में मानते हैं वो F1 है, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हैं। हमें पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन हम उसका डायरेक्शन को काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हैं। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड होगा दूसरे चार्ज पे लगे हुए फोर्स का भी, चाहे पहला चार्ज 1 कूलम का हो एवं दूसरा चार्ज 10 कूलम का हो, फोर्स दोनों में बराबर लगेगा। तो दूसरे केस में हम कह सकते हैं कि ये अगर F2 हुआ तो ये फोर्स भी F2 होगा। सिमिलरली तीसरे केस में अगर फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे F3 लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज पे भी F3 ही लगेगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हैं। तो ये F1, F2, F3 इनका डायरेक्शन तो हमें पता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड का क्या? सो जैसा कि हमने चर्चा किया, इसका मैग्नीट्यूड डिसाइडेड होता है कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ ये बताता है कि जो भी फोर्स अप्लाई होगा एक चार्ज्ड बॉडी पे, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ये प्रोपोर्शनल होगा पहले चार्ज पे, जिसे हम Q1 से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, ये है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2। सो Q1 और Q2 पे जो फोर्स लगेगा दोनों ही चार्जेस पे वो फोर्स बराबर होगा। चलिए इसे मैं F1 से F बना देता हूँ, और वो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा Q1 पे। अर्थात हम अगर इस चार्ज्ड बॉडी का चार्ज को डबल करते हैं तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। इसके चार्ज को अगर हम आधा करते हैं तो ये फोर्स भी आधा हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस पे लगा हुआ ये प्रोपोर्शनल होता है पहले चार्ज पे, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है दूसरे चार्ज पे। अर्थात इन दोनों स्टेटमेंट से हम एक ही साथ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस के बीच काम कर रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे। और ये पाया गया कि फोर्स दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम R से डिनोट कर रहे हैं, ये फोर्स R स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात अगर हम इस बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। अगर इस दूरी को हम ट्रिपल कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, तो ये फोर्स घट के अपना ही 1/9 हो जाएगा। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो फाइनली इन तीनों से हम कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर्ड। यही है कूलम्स लॉ। हमने देखा कि दो चार्जेस के बीच लगा हुआ फोर्स ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे, तथा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर पे। यहाँ पर देखें, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को सब्स्टिट्यूट करना चाहे इक्वालिटी साइन से, तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। तो ये सी जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये क्यू वन और क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच, ये होता है कूलम्स कांस्टेंट गुना दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ ये सी है कूलम्स कांस्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड है 8.987551 7 इंटू 10^9। यह है इसका न्यूमेरिक वैल्यू। इस वीडियो के अंत में कूलम्स कांस्टेंट का और प्रेसाइज वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देखें, ये 8.989 के बहुत करीब है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 9 × 10^9। ये तो था कूलम्स कांस्टेंट का न्यूमेरिक वैल्यू। अब देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा। हमें पता है एक इक्वेशन के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखें फोर्स है, अर्थात इसका SI यूनिट होगा न्यूटन। उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी उसका यूनिट SI सिस्टम में न्यूटन ही होना चाहिए। सो इसका यूनिट न्यूटन होने के लिए इस C के पास एक न्यूटन होना ज़रूरी है। तो इस C के पास एक न्यूटन होना ज़रूरी है। अब देखें, ये दो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, अर्थात यहाँ पर दो चार्ज का प्रोडक्ट का यूनिट होगा कूलम स्क्वायर। तो उस कूलम स्क्वायर को काटना ज़रूरी है, वरना इसके यूनिट में कूलम स्क्वायर रह जाएगा। तो उस कूलम स्क्वायर को काटने के लिए पर कूलम स्क्वायर, यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, आर है डिस्टेंस जिसका यूनिट होता है मीटर, तो आर स्क्वायर का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर्ड SI सिस्टम में। तो उस मीटर स्क्वायर्ड को एलिमिनेट करने के लिए हमें एक मीटर स्क्वायर रखना होगा। तो अब देखें एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर यूनिट्स को काउंट करते हैं, सी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब देखें इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का क्या यूनिट होगा, ये होगा कूलम स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर के आर स्क्वायर का क्या यूनिट होगा, मीटर स्क्वायर्ड। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये कूलम स्क्वायर न्यूमरेटर का और कूलम स्क्वायर डिनोमिनेटर का, तथा ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के कट जाएंगे, और हमारे पास बचा हुआ रहेगा न्यूटन। तो पूरा एक्सप्रेशन जब इवेल्युएटेड होगा, तब ये एक्सप्रेशन हमें यूनिट के तौर पे न्यूटन देगा। आजकल इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को सी से डिनोट नहीं किया जाता है, बल्कि उसी सी के बदले हम यूज़ करते हैं 1/4π ε0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, सी के बदले 1/4π ε0, और यहाँ क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड। सो ये कूलम्स कांस्टेंट और ये 1/4π ε0, इन दोनों का मान बिल्कुल बराबर होना चाहिए। सो ये कूलम्स कांस्टेंट और 1/4π ε0, इन दोनों का वैल्यू बिल्कुल बराबर।
सो अगर इस इक्वेशन को आप इवैल्यूएट करें तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854187 इंटू 10^-12। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इसका यूनिट कूलम्स कांस्टेंट के यूनिट का रेसिप्रोकल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कूलम्स कांस्टेंट न्यूमरेटर में है और ये एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है। इस एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर डिनोमिनेटर में हुआ और ये 4π के पास अगर कोई यूनिट ना हो तो सी ने जो काम किया यहाँ पर न्यूटन लाने के लिए, एप्सिलॉन नॉट चूंकि वो डिनोमिनेटर में है उसी का उल्टा करना होगा इसे। तो इसका यूनिट होना चाहिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।